नमस्कार जी, आज हम एक चीज़ दिखाएंगे आपको जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जिन भाइयों को पता है उनके लिए ठीक है, और जिनको नहीं पता तो वो इस चीज़ को समझ सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो कितनी बड़ी ओजी आए, ठीक है, पक्की बनाई हुई, ताकि इसमें पानी स्टोर कर कर रखा जाए, और ये स्पेशल नर्सरी के लिए बनाई गई है। तो मैं आपको बता दूँ, जो येलो कलर की पट्टी के में है, पेड़ है सामने, वो इधर खेत में लगने हैं। देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया खाली पड़ा हुआ है इनके लिए। तो सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ये जो जिन भाइयों को नहीं पता है तो वो देख ले कि ऐसे पेड़ को रख कर खड़ा कर कर और 2-3 फुट इसको जो है पानी में डालना है। देख सकते हो आप, ये पेड़ है, 2-3 फुट पानी इसमें डालना पड़ेगा आपको, यानी 5-6 दिन यानी 10 दिन भी आप रख सकते हो लगाने से पहले। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पेड़ आप तुरंत पाट कर लगा देते हो तो सूखने की संभावना ही रहती हैं। इसमें थोड़ा सा सूखने की संभावना बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर रहती है। तो आप सामने देख सकते हो वो पेड़, और वो भी देख सकते हो आप वहाँ पर, वो भी येलो, अलग अलग यहाँ पर किस्मों के पेड़ पड़े हैं। कोई 109, 110, 111, 112, अलग अलग किसान भाइयों के यहाँ पेड़ रखे हुए हैं। सभी किसान भाई हैं जो जब लगाने का टाइम आएगा तो इनको उठाकर वो लगा लेंगे, क्योंकि अभी 10-15 दिन है जो इनको पानी में रखा जाएगा। तो जिन भाइयों को नहीं पता था तो विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का, हमें अपने पेड़ों को पानी में ज़रूर रखें, 5-7 दिन तो कम से कम रखें, और ज़्यादा भी आप रख सकते हो। उसके बाद फिर आप अपने खेत में ऐसे तैयार कर कर उसमें लगाएं, और उसमें लगाने के बाद उसमें जो है उसमें पानी ज़रूर दे दें। अच्छी किस्म के पेड़ लगाएं और अच्छी देख रेख कर कर आप अप्रैल से आ जाओ, अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो आज ही यही बताना था, सिर्फ हम दिखाना चाहते थे, ये देख सकते हो आप।